हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल दस गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। UPSC HO की फाइनली आंसर की आने वाली है। आप सभी का मैसेज था कि सर बता दीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 10 तारीख की सारी शिफ्ट, जो भी आपने पेपर दिया है, जो भी आपकी शिफ्ट थी अकॉर्डिंग टू आपको पास जैसा भी पेपर आया, वो सारा पेपर आप अब मोबाइल में देख सकते हो और कितने मार्क्स आए ये भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आप ये बोल रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, आउट ऑफ सिलेबस है या फिर वो समझने नहीं आए, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था या फिर इसका आंसर गलत था या फिर आउट ऑफ सिलेबस था। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन करिए। हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्शन से कैंसिल हो जाए पेपर और पेपर दोबारा लग सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए आपको यहाँ एक लिंक मिलेगा, ठीक है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अभी मैं आपको सारी प्रोसेसिंग बताऊंगा कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। और बहुत बच्चों का मैसेज था कि सर पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करोगे तो ID पासवर्ड, जिस भी ID पासवर्ड से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी ID पासवर्ड को लगा के यहाँ लॉगिन कर लेना है। ये थोड़ा सिक्योर रखने के लिए बच्चे के नंबर है तो वो डाल के डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ हमारे होम पेज के ऊपर, जहाँ क्वेश्चन पेपर और आपका जो आंसर की वो मिलने वाला ऑब्जेक्शन के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम यहाँ। आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, एप्लीकेशन डिटेल जो आपकी डिटेल है, ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सरफेस आपको दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक हियर पे, तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपका पेपर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ पेपर आ जाएगा। वहाँ से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो कि कितने आपके मार्क्स आए हैं और कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कितने आपके गलत हुए हैं, कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ से चूज ऑप्शन 3 है और आंसर इसका 4 है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया है। तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, और तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरा लेवल कहाँ है, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं और ऑब्जेक्शन के ऊपर चलते हैं। ऑब्जेक्शन हम कैसे कर सकते हैं वो भी ज़रूरी है बताना। चलिए चलते हैं हम ऑब्जेक्शन पर। चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम ऑब्जेक्शन पे। तो यहाँ आप जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा सरफेस आपको ओपन होगा। देखिए, अब प्लस के चिन्ह पे क्लिक कर देना। प्लस के चिन्ह पे क्लिक करने के बाद में ऐसी थोड़ी प्रोसेस प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको वेट करना है और यहाँ ऑब्जेक्शन डाल देना है, ठीक है। देखिए, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए कि किस किस चीज़ से आप दे सकते हो ऑब्जेक्शन, कोई गलत है या फिर कैसे कैसे पूरी प्रोसेसिंग यहाँ दे रखी है। जब आप जो ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको आप क्लोज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये शिफ्ट चूज़ करनी है आपको, जैसे 9th शिफ्ट का ही पेपर है तो आपको ये तो चूज़ नहीं करनी है। ID आपको सेलेक्ट करनी है, ID डालनी है यहाँ, ठीक है, और उसके मालिक कोई भी मैं ID डाल देता हूँ। और नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन डालना है, या आपको इनकरेक्ट का ऑप्शन आएगा और आउट ऑफ सिलेबस आएगा। मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस का मैं चूज़ कर लेता हूँ, और कोई भी रिमार्क डाल देते हैं और क्लिक हियर टू अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ से अपलोड करने के बाद में यहाँ सबमिट पर जाके आप सबमिट कर देना इसको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लगते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हो उतने आप क्लिक करके ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन डालें अगर आपको लगता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है या फिर कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो जल्दी से कर लीजिए प्रोसेसिंग, 2 दिन का आपको टाइम मिला है, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय।